ये धलाई नदी का वही जगह है जहाँ पे विमल सिन्हा जो त्रिपुरा के हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके छोटे भाई श्री विद्युत सिन्हा, उन दोनों का एक ही दिन में हत्या किया जाता है 1998 31 मार्च शूट करके उनको खून किया जाता है। आज तक 20 साल के ऊपर हो गया, मिनिस्टर का सरकार था त्रिपुरा में, तब तक कोई भी उनका जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली कुछ नहीं हुआ। क्या रहस्य है त्रिपुरा के लोगों को जानना है, क्या हुआ था, कौन था इसके पीछे, क्या साजिश था, क्यों आज तक इस हत्या का खुलासा नहीं हुआ। इस स्टेट में एक कैबिनेट मिनिस्टर का हत्या होता है और कोई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई मांग नहीं करता, बस एक एसआईटी बिठाया जाता है। क्या ऐसा राज है, क्या ऐसा मुद्दा था इस हत्या के पीछे, क्या मोटिव था, कौन इसको अंजाम दिए, किसके कहने पर यह अंजाम दिया गया, आज तक त्रिपुरा के लोगों को पता नहीं है। ये छोटा सा एक राज्य है, कम्युनिस्ट का सरकार था 25 साल 20 साल तो मानिक सरकार जी चीफ मिनिस्टर थे, फिर भी उनके कैबिनेट एक कॉलिग का हत्या होता है, फिर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। त्रिपुरा में इतने हत्या हुए, इतने रेप हुए, इतने मर्डर हुए, एक्सटोशन रॉबरी बहुत कुछ हुआ, कोई इंसाफ नहीं मिला किसी को। ये नदी का ये किनारा जो है बहुत ही टूट चुका है, बहुत ही सामने तक था नदी, बहुत आगे तक था, अभी टूट टूट के यहाँ तक आया हुआ है नदी। इसी जगह पे मेरे दोनों अंकल का हत्या किया जाता है 1998 31 मार्च। 20 साल कम्युनिस्ट का सरकार रहा त्रिपुरा में, 2018 तक रहा, 1998 से 2018 तक रहा उन लोगों का सरकार। आज तक उस केस का ना ही तो कोई प्रॉपर सुनवाई हुआ, ना ही तो कोई प्रॉपर एविडेंस निकला, ना ही इस केस का कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ। क्या ऐसा मिस्ट्री था उनके हत्या के पीछे जो आज तक इस केस का खुलासा नहीं हुआ, और जितने भी फाइल्स थे, जितने भी सबूत यहाँ पे थे, सबको मिटाया गया, क्यों, इसके पीछे क्या राज था? क्या विमल सिन्हा का पॉपुलैरिटी इतना था कि वो चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे? क्यों नहीं उनका परिवार इसको लेके एक बार भी आवाज नहीं उठाया कि उनके पिताजी का, उनके पति का यहाँ पे उनको न्याय मिले? इस जगह पे यहाँ पे मेरे दो अंकल का कैंप बहुत बड़ा हुआ था, अवांगा के जगह पे, 20-22 साल बाद आया इस जगह पर सुरमा विधानसभा अभांगा धलाई नदी पार, এই জায়গাতে 1998 সনে 31 মার্চ স্বর্গীয় শ্রী বিমল সিনহা, স্বর্গীয় শ্রী বিদ্যুৎ সিনহা নৃশংসভাবে এই জায়গাতে ওরারে খুন করা হয়েছিল। তো এইটা মানা যায় তো যে বিমল সিনহা এত পপুলার ছিলেন যে উনি নেক্সট চিফ মিনিস্টার হওয়ার দাবি রাখতেন। এসি রাস্তে সে ও লোক আয়ে থে उसी हिसाब से वो आए थे लेने अपने भाई को। इसी साइड से वो लोग आते थे, यही था रोड। आज जो ये आप लोग देख रहे हैं उनका स्मारक, स्मारक के सामने जो ये लाल झंडा है ना, ये उनके खून से ही रंगा है ये लाल झंडा, और आज ये लोग स्मारक बना के बस खत्म, उनका स्टोरी, उनका चैप्टर खत्म, क्लोज। एक मिनिस्टर का हत्या होता है, सीबीआई इंक्वायरी नहीं होता उनके हत्या के पीछे कौन कौन लोग थे, किसने करवाया, क्या साजिश था, उनके घर वाले क्यों इतने दिन चुप बैठे थे, उनके बेटे, उनके बेटी, उनके बीवी क्यों, त्रिपुरा के लोगों को जानने का अधिकार है।